अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। आज आपके सामने आईफोन से रिलेटेड चंद हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने के लिए बैठा हूँ। आईफोन के अंदर आए दिन नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, कुछ के बारे में हमें मालूम हो जाता है लेकिन बेशुमार फीचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में अभी भी हमें नहीं पता। जबकि इन फीचर्स का इस्तेमाल करके हम अपने मोबाइल की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, इनसे बेशुमार किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर आप इन फीचर्स, इन टिप्स एंड ट्रिक्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट कर लें। तो पहले की तरह बिना वक्त ज़ाया किए इनको जानने के लिए, इनको सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। पहला फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है नोट्स के मुतालिक। नोट्स के अंदर इन्होंने ऐसी कमाल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दी है कि अगर आप इसमें पेन टूल का यूज़ करते वक्त पहले एक सर्कल बनाते थे तो ऐसा बनता था, लेकिन अगर आप इसको बना के हल्का सा पास करेंगे तो वो ऐसा बनेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो ऐसा बनता था, अब बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। बिल्कुल इसी तरह आप कुछ भी बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं, पहले ऐसे बनती थी, अब आप ऐसे पास करेंगे तो ऐसे बनेगी। इस तरीके से आप इसका स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप उसकी लाइन ड्रा करेंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन ड्रा होगी। और इसी तरह अगर आप कोई लाइन ड्रा करते हैं स्केल के बिना, ऐसे करते थे, अब करेंगे पास करेंगे तो वो सीधी लाइन ड्रा होगी। बड़ा ही कमाल का फीचर है, बड़े ज़बरदस्त इसके अंदर इन्होंने फीचर्स ऐड किए हैं। इनको यूज़ करें, इनका इस्तेमाल करें, इनसे फ़ायदा उठाएँ। दूसरा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है ऐप गैलरी के मुतालिक। नई अपडेट आने के बाद अब एप्पल ने ये कर दिया है कि आप कोई भी नया ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी होम स्क्रीन पे शो नहीं होता, वो सीधा ऐप गैलरी में चला जाता है, वहाँ पे जाके आपको ढूंढना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप नया कोई भी ऐप इंस्टॉल करें तो वो आपकी होम स्क्रीन पर भी शो हो, इसके लिए आपने सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन पर जाना है। यहाँ पर आपने चूज़ करना है ऐड टू होम स्क्रीन। इसके बाद आप जो भी ऐप इंस्टॉल करेंगे वो आपकी होम स्क्रीन पे भी आएगा और ऐप गैलरी में भी चला जाएगा, आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। इसको ट्राई कीजिएगा। तीसरा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्टैक्ट्स और साइलेंट मोड के मुतालिक। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पर होने के बावजूद अगर आपको कोई ख़ास पर्सन कॉल करे तो साइलेंट मोड पर होने के बावजूद उसकी बेल आपको सुनाई दे, तो उसके लिए आपने उस नंबर पर जाना है, एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिंग ट्यून पे क्लिक करना है और इमरजेंसी बाईपास पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जब भी वो आपको कॉल करेगा तो साइलेंट मोड पर होने के बावजूद उसकी बेल आपको सुनाई देगी, साइलेंट मोड काम नहीं करेगा, ट्राई कीजिएगा। चौथा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्क्रीनशॉट के मुतालिक। अगर आपने किसी को अपना कोई स्क्रीनशॉट सेंड करना है तो आप पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसे गैलरी में सेव करते हैं, उसके बाद उस ऐप में जाते हैं जहाँ से आपने उसको सेंड करना है, स्क्रीनशॉट का चूज़ करते हैं, फिर आप उसे सेंड करते हैं। इसके बजाय अगर आप स्क्रीनशॉट लेते ही इस पर 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखेंगे तो इधर ही मेन्यू आ जाएगा, इधर से ही आप जिसको चाहे सेंड कर सकते हैं, जिस ऐप में लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। है ना कमाल का फीचर, इसको ट्राई कीजिएगा। पांचवा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है होम स्क्रीन और आइकन्स के मुतालिक। जब आपने अपने आइकन्स को दूसरी स्क्रीन पर मूव करना होता है तो आप ऐसे करते हैं, इस तरीके से। इसके बजाय एक फिंगर से आइकन को सिलेक्ट करें और दूसरे फिंगर से आइकन्स को चूज़ करें और इस तरीके से दूसरी स्क्रीन पर ले जाएं। इस तरीके से आप आइकन्स को इकट्ठा मूव कर सकते हैं, इसको ट्राई करें। छठा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो है बैक टैप के मुतालिक। बैक टैप के ज़रिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सेटिंग में जाएँ, यहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी में आ जाएँ और यहाँ पे टच पे क्लिक करें और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी बैक टैप। बैक टैप पे क्लिक करें, डबल टैप पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलेंगे, स्पॉटलाइट, वॉल्यूम अप डाउन, स्क्रीन शॉट, लॉक स्क्रीन, कि अगर आप बैक टैप पे क्लिक करते हैं 2 बार तो कौन सा फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको आप ऑन कर लें, जैसे हम स्क्रीन शॉट को ऑन कर लेते हैं। इसके बाद जब भी हम इस पर डबल टैप करते हैं तो आपका स्क्रीन शॉट बन जाएगा। इसी तरीके से आप काफ़ी सारे फीचर्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको ट्राई करें। सातवां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईफोन के कैलकुलेटर के मुतालिक। जब आप इसको यूज़ करते वक्त कोई चीज़ टाइप करते हैं और कुछ रॉन्ग टाइप कर बैठते हैं तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लीन की ऑप्शन तो है, बैक स्पेस की ऑप्शन नहीं है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने जस्ट स्वाइप करना है लेफ्ट या राइट, वो आपका फिगर रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से आप इसका फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको इस्तेमाल कीजिएगा, फ़ायदा उठाइएगा।
आठवां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक ऐप से दूसरी ऐप के अंदर मूव करना। अगर आपने किसी ऐप से दूसरी ऐप में मूव करना हो तो आपको ऐसे करना पड़ता है, यहाँ से वो ऐप चूज़ करनी पड़ती है। इसके बजाय अगर आप यहाँ से स्वाइप करते हैं तो भी आप दूसरी ऐप के अंदर जा सकते हैं बड़े आराम से। इसको ट्राई करें, बड़ा आसान है। नवा फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईफोन के कीबोर्ड के मुतालिक। जब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करते वक्त कुछ भी गलत टाइप कर बैठते हैं तो आपको उसको सही करने के लिए यहाँ पे ऐसे आना पड़ता है, इस तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। इसके बजाय अगर आप यहाँ पे स्पेस बार पे क्लिक करके रखें तो ये आपका ट्रैक पैड बन जाएगा। इसको आप आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं, उस एरिए पे ला के उसको आराम से इजीली सेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करें। दसवां फीचर जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो है आईफोन के कीबोर्ड के शॉर्टकट के मुतालिक। आप आईफोन के कीबोर्ड के शॉर्टकट्स में आ जाएं जनरल में, यहाँ पे कीबोर्ड में, यहाँ पे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट पे क्लिक करें, प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी जुमला लिखें जैसे हाउ आर यू और यहाँ पे अपना उसका कोई भी शॉर्टकट बना लें जैसे HHH ट्रिपल एच और इसको सेव कर दें। यहाँ पे आके देखें कुछ भी लिखें, एंटर करें HHH, वो आपका हाउ आर यू लिखा जाएगा। इस तरीके से आप अपने किसी भी वर्ड का शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का SLL, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाएगा। ये बहुत ही कमाल का फीचर है, इसको यूज़ करें, इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो कैसे लगे आपको ये फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स? उम्मीद है इनमें से काफ़ी के बारे में आपको आज पहली बार मालूम पड़ा होगा। इनसे फ़ायदा उठाएँ, इनको यूज़ करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।